नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपना बेहद ही ख्याल रख रहे होंगे। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें लिंक, जिससे और लोग भी हमारे चैनल से जुड़ सकें और एक तरह से आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प भी करेंगे ऐसा करते हुए। आज के वीडियो बड़ा ही खास है क्योंकि ये है क्लास 10th की स्टोरी फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक, और ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट लेसन है और साथ में बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेसन है, क्योंकि इसकी जो मेन जो राइटर है, जो ऑथर है, या फिर कह सकते हैं इस कहानी की सूत्रधार है, नैरेटर है, वो है एने फ्रैंक, एक 13 साल की बच्ची जो है इस कहानी की लेखिका। दोषी है सो मैनी फ्रेंड्स, यद्यपि उसके बहुत से दोस्त हैं, ऐसा नहीं उसके फ्रेंड्स नहीं है, फैमिली में सब कुछ है, ये तो भी शी कुड नॉट शेयर हर फीलिंग्स विद देम, फिर भी वो अपनी फीलिंग्स उनके साथ शेयर नहीं कर पाती या फिर उनके साथ बांट नहीं पाती, ये उसके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम। देयरफॉर शी डिसाइडेड टू राइट अ डायरी, इसलिए वो निश्चय करती है कि वो एक डायरी लिखे जिससे अपनी फीलिंग्स दूसरों को शेयर कर सके। शी स्टार्टेड टू राइट अबाउट हर ओन लाइफ, और जब वो डायरी लिखना शुरू करती है तो सबसे पहले वो अपनी जिंदगी के बारे में लिखने की बात करती है, अपनी जिंदगी के बारे में लिखना शुरू करती है। हर फादर अपने पिता के बारे में लिखती है और ये भी लिखती है, 36 साल की उम्र में उसके पिता की शादी हुई जब उसकी माँ की उम्र 25 साल थी, उसकी बहन 1926 में पैदा हुई और उसकी खुद डेट ऑफ बर्थ 12 जून 1929 में एन ए पैदा हुई। ओके, शी नेम्ड हर डायरी किटी, और अपनी डायरी का नाम वो किटी रखती है, अपनी डायरी को प्यार से वो किटी बुलाती है। शी डिस्क्राइब अबाउट हर फैमिली स्कूल, अपने स्कूल के बारे में, फैमिली के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, वो जिक्र करती है। शी हैड ए गुड इक्वेशन विद ऑल अदर टीचर्स, अब इंटरेस्टिंग पार्ट है इस कहानी का, वो है उसकी स्कूलिंग, बाकी नौ टीचर्स जो हैं उनसे उसकी बहुत अच्छी पढ़ती है, जो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं एक्सेप्ट सिवाय मिस्टर कीसिंग हर मैथ टीचर, लेकिन ये जो मैथ के टीचर्स हैं उससे उसकी दोस्ती नहीं हो पा रही है या किसी खास वजह से अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है। ही पनिश्ड हर, वह उसे दंड देते हैं, बाय गिविंग एक्स्ट्रा होमवर्क, उसे पनिशमेंट के तौर पर ज्यादा काम देते हैं। ही गेव पनिशमेंट इन द फॉर्म ऑफ एसेज ऑन वियर्ड टॉपिक्स, पनिशमेंट कैसे देते हैं, कुछ अजीब से टॉपिक्स पर ऐसे लिखने का पनिशमेंट देते हैं, निबंध लिख कर लाइए। शी रोड एसेज, वो निबंध लिखती है, दैट वर फनी, जो मजाकिया होते हैं, एंड एक्सप्लेन, और इस बात की भी बारे में बताती है, दैट शी इनहेरिटेड, कि उसे ये जन्मजात गुण मिला है, हर हैबिट ऑफ टॉकिंग टू मच फ्रॉम हर मदर, कहाँ से, अपनी माता जी से, कौन सा गुण, जरूर से ज़्यादा बात करने का, वो बहुत ही टॉकेटिव है, जैसे बहुत से बच्चे क्लास में लगातार बात करते हैं, वो भी ऐसा ही करती है। तो इन द एंड, अंत में शी रोट एन ऐसे, वो एक निबंध लिखती है विद सैटायर, व्यंग है जिसमें, अबाउट अ मदर डक एंड फादर स्वान, एक मदर डक और फादर स्वान के बारे में, विद थ्री बेबी डकिंग, जिनके तीन छोटे छोटे बेबी हैं, डक्स हैं, द फादर स्वान बिट द थ्री बेबीज टू डेथ, जो पिता स्वान है वो गुस्से में एक दिन उन तीनों छोटे बच्चों को, अपने बेबीज को काट काट के मार देता है दांत से, फॉर क्विकिंग टू मच, बहुत ज्यादा शोर मचाने पर। मिस्टर कीसिंग अंडरस्टूड द जोक, और ये जो मिस्टर कीसिंग जो रहे जो मैथ के टीचर हैं, वो समझ जाते हैं कि आखिर एन इस सैटायर के जरिए उससे उनसे क्या कहना चाह रही है। उसके बाद वो कभी भी पनिशमेंट नहीं देते हैं, और उस दिन के बाद से वो एन को अधिक बात करने के लिए भी टोकते नहीं। अब इस तरह से एन अपने सैटायर के जरिए अपने मैथ के टीचर मिस्टर कीसिंग से एक अच्छे रिलेशन क्रिएट करने में कामयाब हो जाती है, और हमें पता चलता है कि एन बहुत ही इंटेलिजेंट और शार्प माइंडेड बच्ची है, जैसे कि आप सब लोग। सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। संजीव गोस्वामी, नमस्कार।